हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमारे पास है क्लास 12th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 23। तो बेटे, ये 5वीं यूनिट का 23वां वीडियो है, और इससे पहले 22 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो हमारा आज का टारगेट क्या है? आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोलाइडों का रक्षण या प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे स्वर्ण संख्या, या इसे स्वर्णांक भी कहते हैं, या गोल्ड नंबर। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटे पायस या इमल्सन किसे कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कोलाइडों के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। और बेटे सबसे बाद में हम करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, जो हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे हमारी एनसीईआरटी के बुक में, उन क्वेश्चंस को बेटे हम सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे हमें आज बात करनी है कोलाइडों के रक्षण के बारे में या प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स के बारे में। अब सबसे पहला सवाल तो हमारे दिमाग में यह आता है कि ऐसे कौन से कोलाइड हैं जिनकी रक्षा करनी पड़ेगी? आखिरकार ऐसे कौन से कोलाइड हैं जिनका हमें रक्षण करना पड़ेगा, जिनका हमें प्रोटेक्शन करना पड़ेगा? तो इस बात का जवाब क्या है बेटे, ध्यान से सुनो। आपको पता है कि जो कोलाइड होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं द्रव स्नेही और एक होते हैं द्रव विरोधी। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ना बेटे, वे तो द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, और जो द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं वे द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। उनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। ये बातें तो हमने सारी पढ़ ली थी, पर एक बात मैंने आपको और सिखाई थी। एक बात यह सिखाई थी, जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। जब किसी, आप बताइए जरा मैं सही लिख रहा या नहीं, जब किसी द्रव स्नेही सॉल में, सॉल का मतलब यहाँ कोलाइडी विलयन है, ध्यान रखना है। यदि कहीं सॉल शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कोलाइडी विलयन है। तो जब किसी द्रव स्नेही कोलाइड में, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में, या द्रव स्नेही सॉल में, तीनों बातों का एक ही मतलब है। जब किसी द्रव स्नेही सॉल में वैद्युत अपघटय को मिलाया जाता है, मान लो आपके पास कोई द्रव स्नेही सॉल है या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है, और उसमें बेटे आपने किसे मिला दिया, विद्युत अपघटय या वैद्युत अपघटय को मिला दिया, मिलाया जाता है, तो द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन नहीं होता है, द्रव स्नेही सॉल का स्कंदन नहीं होता है। ये बात आपको बिल्कुल समझनी है बेटे, बिल्कुल ध्यान से। मान लो आपके पास कोई द्रव स्नेही कोलाइड है और आपने उसमें मिला दिया है विद्युत अपघटय या वैद्युत अपघटय, तो वैद्युत अपघटय द्रव स्नेही कोलाइड का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। अब सवाल ये आता है कि सर क्यों नहीं बिगाड़ पाता है वो उसका? तो हमने लिखा स्कंदन नहीं होता है क्योंकि द्रव स्नेही सॉल यानी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, या द्रव स्नेही कोलाइड ऐसे भी कह सकते हो, तो द्रव स्नेही सॉल विलायक योजित होता है, विलायक योजित होता है।
अब विलायक योजित का क्या मतलब है? कुछ बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर विलायक योजित का क्या मतलब है। मैं लिख रहा बेटा यहाँ देखो क्या मतलब है, अर्थात उसके कणों के, उसके माने द्रव स्नेही तौल की बात कर रहे बेटे, उसके कणों के चारों ओर, उसके कणों के चारों ओर द्रव की एक, द्रव की एक रक्षक, रक्षक परत बनी होती है। क्या बनी होती है बेटे? रक्षक परत बनी होती है। तो मतलब हमें एक बात समझ में आई कि यदि हमारे पास द्रव स्नेही सॉल है या द्रव स्नेही कोलाइड है या द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन है और आपने उसमें कोई विद्युत अपघटक घोल दिया है, तो विद्युत अपघटक चाहता तो है कि मैं उस कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर दूं, उसके आवेशित कणों को सबको उदासीन कर दूं जिससे वे आपस में जुड़ जाएं और उनके गुच्छे बन जाएं। पर वो विद्युत अपघटक उस द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का या द्रव स्नेही सॉल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब क्यों नहीं बिगाड़ सकता है? इसलिए नहीं बिगाड़ सकता है क्योंकि द्रव स्नेही सॉल के जो कण हैं, द्रव स्नेही कोलाइड के जो कण हैं, उन कण के चारों तरफ द्रव ने बना रखी है एक रक्षक परत। क्या बना रखी है बेटे? प्रोटेक्टिंग लेयर। और वो रक्षक परत उस विद्युत अपघटक के आयन को उस कोलाइडी कण की सतह तक पहुंचने ही नहीं देती है। तो इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड का विद्युत अपघटक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, इस बात को आपको समझना है। पर यदि बेटे मैं इससे अगले स्टेप पे पहुंचूं, आपको पता चल गया कि आपके पास कोई भी द्रव स्नेही कोलाइड है या द्रव स्नेही सॉल है और आप उसमें विद्युत अपघटक जब मिलाते हो तो विद्युत अपघटक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसलिए नहीं बिगाड़ पा रहा है क्योंकि उसकी जो कण है कोलाइडी विलयन के, उनकी सतह पर, उनके ऊपर, उनके चारों ओर द्रव ने एक प्रोटेक्टिंग लेयर या रक्षक परत बना ली है। ठीक है बेटे? पर यदि बेटे मैं बात करूं, जब किसी, यहां परंतु लिखूं, परंतु जब किसी, ध्यान से समझिए जरा, बिल्कुल ध्यान से, जब किसी द्रव विरोधी, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे, परंतु जब किसी द्रव विरोधी सॉल में, यानी द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटय लिख दो या वैद्युत अपघटय लिख दो, एक ही बात है। विद्युत अपघटय को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो विद्युत अपघटय उसका, उसका माने किसका? द्रव विरोधी सॉल का, उसका स्कंदन, उसका स्कंदन कर देता है, उसका स्कंदन कर देता है। क्योंकि क्यों कर देगा स्कंदन बेटे? स्कंदन तो पढ़ लिया ना हमने पूरा, क्यों कर देगा स्पंदन? क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइडों, द्रव विरोधी कोलाइडों की सतह पर द्रव की रक्षक परत, बताओ क्या लिखूं मैं, नहीं होती है। मतलब कहने की बात यह है कि यदि आपको द्रव विरोधी कोलाइड कोई दे दिया या द्रव विरोधी सॉल दे दिया और आपने उसमें मिला दिया विद्युत अपघटय, तो बेटे विद्युत अपघटय उस सॉल का स्कंदन करके ही मानेगा बिल्कुल। क्योंकि द्रव विरोधी सॉल के ऊपर या द्रव विरोधी कोलाइडी कणों के ऊपर द्रव की कोई रक्षक परत बिल्कुल भी नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके। किससे रक्षा कर सके? विद्युत अपघटय से। तो हमें यहाँ दो बातें समझ में आई बेटे, कि
कितनी बातें समझ में आई? दो। कौन कौन सी बातें समझ में आई? पहली बात तो हमारी समझ में ये आया कि द्रव स्नेही का विद्युत अपघटक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उसके चारों तरफ होती है द्रव की एक रक्षक परत, और द्रव विरोधी का विद्युत अपघटक सब कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि द्रव विरोधी के ऊपर नहीं होती है द्रव की रक्षक परत। ठीक है, अब हमें जो है इस द्रव विरोधी सॉल की या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की किसी तरीके से रक्षा करनी है। किससे बचाना है इसे, किससे रक्षा करनी है हमें बेटे? इसकी रक्षा करनी है विद्युत अपघटय से। किससे रक्षा करनी? विद्युत अपघटय से। तो आप ध्यान से समझिए जरा, हम क्या करेंगे बेटे, हम एक बर्तन में द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन लेंगे, यानी द्रव विरोधी सॉल्व लेंगे, और उसमें थोड़ा सा डाल देंगे द्रव स्नेही, और उसे घोल देंगे आपस में, और घोलने के बाद फिर यदि आप उसमें विद्युत अपघटय डाल लोगे ना, तो विद्युत अपघटय इस बार द्रव विरोधी सॉल का स्कंदन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि द्रव विरोधी सॉल की रक्षा इस बार कर रहा है द्रव स्नेही सॉल, उसके ऊपर बना देगा एक प्रतिरोधक या अवरोधक परत या लेयर, जो विद्युत अपघटय को द्रव विरोधी सॉल के कोलाइडी कणों तक नहीं पहुंचने देगी, और जब वे नहीं पहुंचेंगे तो उन्हें उदासीन नहीं करेंगे। तो ये बात थोड़ी सी मुश्किल तो है, पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने आपको एक बात सिखाई है कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड का विद्युत अपघटक कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, उसका स्कंदन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है वो भी बात हमने समझ ली, पर द्रव विरोधी कोलाइड को या द्रव विरोधी सॉल्व को विद्युत अपघटक बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, उसका स्कंदन करके ही मानता है। अब क्यों ऐसा होता है वो भी बात समझ ली। तो यूं बताओ मुझे बेटे कि विद्युत अपघटय से खतरा किसे है विद्युत अपघटय से खतरा, यूं बताओ। विद्युत अपघटय से खतरा द्रव स्नेही सॉल्व को है या द्रव विरोधी सॉल्व को है, किसे है खतरा बताओ? आप कहोगे सर द्रव विरोधी सॉल्व को खतरा है विद्युत अपघटय से कि कहीं वो मेरा स्कंदन ना कर दे। तो द्रव विरोधी सॉल को खतरा है तो बेटे द्रव विरोधी सॉल की ही तो रक्षा करनी है। किससे रक्षा करनी है? विद्युत अपघटय से रक्षा करनी है। तो कौन करेगा उसकी रक्षा? द्रव स्नेही सॉल करेगा उसकी रक्षा। कौन करेगा बेटे? द्रव स्नेही सॉल। तो मैं द्रव स्नेही सॉल को कहूंगा रक्षी कोलाइड। क्या कहूंगा? रक्षी कोलाइड। और बेटे द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड की विद्युत अपघटय से जो रक्षा करने की ये घटना है, ये प्रक्रम है, इस घटना को ही हम कहते हैं रक्षण या प्रोटेक्शन, कोलाइडों का रक्षण। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, यदि आपकी ये बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो एक छोटा बच्चा है, ध्यान से समझना है सबको। मान लो बेटे एक छोटा सा बच्चा है, लगभग 4-5 साल का है, और वो अपने कॉलोनी में या अपने गांव में पैदल चलता हुआ जा रहा है रास्ते में, और रास्ते में उसे जो है दो तीन कुत्ते दिखाई देंगे, डॉग दो तीन, और वे कुत्ते उस छोटे बच्चे को देख के उसके ऊपर भौंक रहे बहुत ज्यादा, भौं 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 ऐसे कर रहे, तो वो बच्चा तो डर जाएगा। उस बच्चे को खतरा है, किस चीज से खतरा है? उन कुत्तों से खतरा है, उन डॉग से खतरा है उस बच्चे को। फिर क्या हुआ, वो बहुत देर तक डरा हुआ बच्चा, डरा हुआ सहमा हुआ एक जगह खड़ा रहा। फिर एक जो है बड़ा आदमी आया वहां, उस बड़े आदमी ने देखा कि ये बच्चा उन कुत्तों से डर रहा है, तो क्या मैं इस बच्चे को रास्ता पार करवा सकता हूँ? हमें पता है कुत्तों से खतरा है उस छोटे बच्चे को, कुत्तों से खतरा नहीं है उस बड़े आदमी को। बड़े आदमी को तो कुत्ते कुछ भी नहीं कह रहे हैं, पर छोटे बच्चे के ऊपर वे भौंक रहे हैं, तो छोटे बच्चे की रक्षा करनी है। किससे रक्षा करनी है? कुत्तों से रक्षा करनी है। तो कौन करेगा रक्षा? वो बड़ा आदमी करेगा, और वो बड़ा आदमी आकर वहां कहेगा कि बच्चे या बेटे तू मेरे साथ चल, मैं तुझे रास्ता पार करा दूंगा, क्योंकि मुझे भी उस पार ही जाना है। तो वो बड़ा आदमी उस छोटे बच्चे का हाथ पकड़ेगा और उसे अपने साथ लेके चलेगा, और कुत्ते अब उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्यों नहीं बिगाड़ सकते हैं? क्योंकि उस बच्चे के साथ है वो बड़ा आदमी,
जो कुत्तों से उस बच्चे की रक्षा कर रहा है, और उन कुत्तों को भी पता है कि अब बड़ा आदमी इस बच्चे के साथ है, हम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। बताओ ये घटना आपकी समझ में आती है क्या, कि मैंने क्या समझाया है? अब देखो जरा ध्यान से, अब हमें एक बात पता चली, तो बेटे बिल्कुल ऐसा ही होगा कि द्रव विरोधी सॉल या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन को खतरा है विद्युत अपघटन से। तो द्रव विरोधी कोलाइड में या द्रव विरोधी सॉल में आप थोड़ा सा द्रव स्नेही मिला दो ना, द्रव स्नेही मिला के उसे घोल दो और अब डाल लो उसमें विद्युत अपघटन। तो बताओ अब विद्युत अपघटन द्रव विरोधी का कुछ बिगाड़ देगा क्या? अब तो बेटे वो बिगाड़ ही नहीं पाने का है। क्यों नहीं बिगाड़ पाने का? क्योंकि आपने उस द्रव विरोधी कोलाइड में या द्रव विरोधी सॉल में आपने द्रव स्नेही सॉल की कुछ मात्रा मिला दी है। वो द्रव स्नेही सॉल उस द्रव विरोधी सॉल की रक्षा करेगा कि कहीं इसका विद्युत अपघटन आके स्कंदन ना कर दे। ठीक है बेटे, तो हमें एक बात समझ में आई है, हमें समझ में आई है कि परंतु ध्यान से समझियो बिल्कुल, जब किसी द्रव विरोधी सॉल में, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे, सॉल का मतलब कोलाइड या कोलाइडी विलयन कुछ भी कह सकते हो आप, परंतु जब किसी द्रव विरोधी सॉल में द्रव स्नेही सॉल की द्रव स्नेही सॉल की कुछ मात्रा द्रव स्नेही सॉल की कुछ मात्रा मिलाकर फिर उसमें क्या डाल लूंगा बताऊं मैं, फिर उसमें वैद्युत अपघटय, फिर उसमें वैद्युत अपघटय मिलाया जाता है, फिर उसमें क्या मिलाया जाता है, विद्युत अपघटय मिलाया जाता है। तो समझ में आ रहा, इस बार माने ऐसा करने पर, इस बार विद्युत अपघटय द्रव विरोधी सॉल का स्कंदन नहीं कर पाता है। इस बार बेटे वो स्कंदन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता बताओ? क्योंकि द्रव स्नेही सॉल वहां पर उपस्थित है द्रव विरोधी सॉल की रक्षा करने के लिए। किससे रक्षा करने के लिए? विद्युत अपघटन से। तो स्कंदन नहीं कर पाता है क्योंकि द्रव स्नेही सॉल द्रव विरोधी सॉल के ऊपर, ऊपर कह दो या चारों ओर कह दो, एक ही बात है, ऊपर कह दो या चारों ओर कह दो। तो जो द्रव स्नेही सॉल है बेटे वो क्या करेगा, वो द्रव विरोधी सॉल जो होगा उसके ऊपर या चारों ओर एक परत बना देगा, एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देगा, जिसे आप कह सकते हो अवरोधी परत। तो सॉल के ऊपर चारों ओर अवरोधी परत बना देता है। ठीक है, और जब अवरोधी परत बन जाएगी तो विद्युत अपघटन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। किसका? द्रव विरोधी का। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा, अतः द्रव स्नेही सॉल को रक्षी कोलाइड कहते हैं। ये बात आपको बेटे बिल्कुल ध्यान रखनी है। क्या कहते हैं? रक्षी कोलाइड
कहते हैं। जो द्रव इसने ही सॉल है, वो ही तो बेटे रक्षा कर रहा है। किसकी रक्षा कर रहा है? द्रव विरोधी की रक्षा कर रहा है। किससे रक्षा कर रहा है? विद्युत अपघटय द्वारा स्कंदन होने से रक्षा कर रहा है, कि कहीं विद्युत अपघटय उसका स्कंदन ना कर दे। तो हम लिखेंगे रस्सी कोलाइड कहते हैं। तथा यह घटना का मतलब रक्षा करने की घटना। यह घटना कोलाइडों का रक्षण कहलाती है। कोलाइडों का रक्षण कहलाती है। तो ये है बेटे प्रोटेक्शन या रक्षण। तो इसे आप कह सकते हो कोलाइडों का रक्षण। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आप बताओ कि रक्षी कोलाइड कौन से कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही या द्रव विरोधी? तो आप क्या जवाब दोगे बताओ? द्रव स्नेही कोलाइड ही रक्षी कोलाइड होते हैं, और द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड की रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? विद्युत अपघटय से रक्षा करते हैं, कि कहीं विद्युत अपघटय आकर द्रव विरोधी सॉल या कोलाइड का स्कंदन ना कर दे। जैसे उस छोटे बच्चे की रक्षा करी उस बड़े आदमी ने, किससे रक्षा करी? कुत्तों से रक्षा करी। तो बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे एक तो ये उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि स्वर्ण सॉल की NaCl से रक्षा जिलेटीन करता है। स्वर्ण सोल यानी सोने का कोलाइडी विलयन। आपको पता है कि सोने का कोलाइडी विलयन एक द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन है या द्रव विरोधी कोलाइड है। इसकी रक्षा NaCl से करनी है। आपको पता है कि NaCl होता है विद्युत अपघटय, क्योंकि आयनों में टूट जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और कौन कर रहा रक्षा? जिलेटिन। आपको पता है जिलेटिन एल्ब्यूमिन गोंद प्रोटीन ये सब क्या है? जल स्नेही या द्रव स्नेही कोलाइड है। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है वही तो बेटे रक्षी कोलाइड होता है, या वही तो रक्षा करता है द्रव विरोधी की। तो एक ये वाला एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में लिख के आ जाना है इस एग्जाम्पल को। उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है बेटे स्वर्ण संख्या, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है स्वर्णांक, और बेटे इंग्लिश में इसे कहते हैं गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। तो स्वर्णांक का मतलब पता क्या है? स्वर्णांक का मतलब है कि आपके पास मान लो एक बर्तन है। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से। मान लो हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन में हमने 10 ml गोल्ड सॉल भर दिया है, यानी कि 10 ml भरा है क्या? सोने का कोलाइडी विलयन, स्वर्ण सॉल या सोने का कोलाइडी विलयन 10 ml हमने इसमें ले लिया है एक बड़े बर्तन में। और बेटे आपको पता है कि ये जो 10 ml गोल्ड सॉल है इसे खतरा किससे है? NaCl यानी विद्युत अपघटय से खतरा है। हमने एक दूसरे बर्तन में लिया है 10% और 1 ml NaCl, 10% और 1 ml NaCl लिया है। इसे यदि मैं इसमें डाल दूंगा ना सोने के कोलाइडी विलयन में, तो ये NaCl गोल्ड सॉल यानी सोने के कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देगा, बिल्कुल 100% कर देगा स्कंदन। तो इससे खतरा है किसे? इसे, सोने के कोलाइडी विलयन को NaCl से खतरा है। तो अब हम क्या करेंगे? इधर हमने लिया कोई रक्षी कोलाइड, जैसे यहाँ क्या था? जिलेटिन। रक्षी कोलाइड ले लिया। यदि मैंने रक्षी कोलाइड का 1 ml इसमें मिलाया, ध्यान से समझियो, बिल्कुल ध्यान से, मैं यूं कह रहा बेटे कि रक्षी कोलाइड का 1 mg इसमें मिला दिया। mg में मात्रा लेनी है हमें, मिलीग्राम में। रक्षी कोलाइड का 1 g आपने मिलाया, और मिलाने के बाद फिर उसके बाद डाल के देखा कि क्या NaCl ने इस 10 ml गोल्ड सॉल का स्कंदन किया है। तो 1 mg डालने से इसने स्कंदन कर दिया। इसका मतलब रक्षी कोलाइड का स्वर्णांक 1 नहीं है। फिर मैंने 2 mg डाला, दोबारा प्रैक्टिकल करा। भाई एक बीकर लिया, एक बर्तन लिया, उसमें 10 ml गोल्ड सॉल भरा, और उसमें बेटे पहले तो मैंने 1 mg डाला था, अब मैं 2 mg डाल लूंगा, 2 mg डाल लूंगा। 2 mg मैंने इसमें घोल दिया, और घोलने के बाद कहा कि मैं तैयार हूं, हम दोनों तैयार हैं, आ जाओ अटैक करो। तो इन्होंने अटैक करा। अब की बार भी NaCl ने गोल्ड सॉल का स्कंदन कर दिया। तो इसका मतलब जो हमारे पास रक्षी कोलाइड है उसकी स्वर्ण संख्या 2 भी नहीं है, एक तो थी नहीं, 2 भी नहीं है। अब मैंने लिया इसे 3 mg,
जब मैं 3 मिलीग्राम इसमें मिलाऊंगा और घोल दूंगा और फिर कहेंगे कि चलो हम तैयार हैं अटैक करो, तो विद्युत अपघटन क्या करेगा, 10% NaCl है और 1 ml है जैसे इसमें डाला हमने, और इस बार भी स्कंदन कर दिया। इससे पता चला कि हमारे रक्ति कोलाइड का जो स्वर्णांक है वो 3 भी नहीं है, ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, वो दशमलव में भी हो सकता है। मैं आपको समझा रहा बेटे। अब मैंने क्या करा कि दोबारे से एक बीकर में 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया और रक्सी कोलाइड के उसमें घोल दिए 4 मिलीग्राम। कितने घोल दिए बेटे, 4 मिलीग्राम, और 4 मिलीग्राम घोल के फिर ललकारा किसे, विद्युत अपघटक को माने NaCl को, कि आ जाओ स्कंदन करके दिखाओ। तो NaCl का 10% और 1 ml विलयन जब इसके अंदर आया तो इस बार NaCl इस गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन नहीं कर पाया है। तो रक्सी कोलाइड की वो मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 10% 1 ml NaCl से स्कंदन होने से बचाती है, तो इसकी मिलीग्राम में कितनी मात्रा कम से कम चाहिए जो इसकी रक्षा कर सके इससे। उस कम से कम मात्रा को ही हम क्या कहते हैं बेटे, उस कम से कम मात्रा को ही हम कहते हैं स्वर्ण संख्या, या आप कह सकते हो स्वर्णांक या गोल्ड नंबर। बताओ समझ में आई क्या आपके बात, मतलब आपको रक्सी कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा देखनी पड़ेगी जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट को 10% और 1 ml NaCl द्वारा विद्युत अपघटन से बचाती हो। तो पहले नंबर पे तो आपको इसे घोलना है, यहाँ लिख दिया मैंने नंबर 1, और घोलने के बाद फिर इसका अटैक कराना है, फिर इसे घोलना है नंबर 2। ठीक है, तो देखो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है, परिभाषा में लिखा हुआ है किसी रक्सी कोलाइड का स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम में वह मात्रा है। देखो मिलीग्राम में तो मात्रा लिख रहे हैं, जो 10 ml गोल्ड सोल में, देखो 10 ml गोल्ड का सोने का कोलाइड विलयन लिया, NaCl के 10% विलयन का 1 ml मिलाने पर, NaCl के 10% विलयन का 1 ml है, गोल्ड सोल का स्कंदन नहीं होने देती है, यानी सोने के कोलाइड विलयन को स्कंदन होने से बचा रहा है। कौन बचा रहा है, रक्सी कोलाइड। तो रक्सी कोलाइड की कम से कम कितनी मिलीग्राम में मात्रा चाहिए कि इसकी रक्षा हो जाए, इससे हो जाए, तो वो कम से कम मिलीग्राम में जो मात्रा होती है उसे कहते हैं हम गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं बेटे, गोल्ड नंबर कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि हर एक रक्सी कोलाइड का गोल्ड नंबर अलग अलग होता है, और बेटे रक्षण क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है स्वर्ण संख्या के। जिसकी स्वर्ण संख्या ज्यादा है यानी कि जिसे ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ज्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है, तो उसका रक्षण क्षमता कम होगा। जिसका रक्षण क्षमता ज्यादा है उसका स्वर्ण संख्या कम होगा, यानी कि कम मात्रा में घोल के ही काम चल जाएगा। तो इन दोनों बातों को आपको समझना है कि रक्षण क्षमता और स्वर्ण संख्या एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। जिसकी रक्षण क्षमता ज्यादा है उसकी स्वर्ण संख्या कम होगी, यानी कि कम मिलीग्राम ही घोलकर वो गोल्ड के सॉल की NaCl से रक्षा कर लेगा। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटे, अब हमें बात करनी है पायस के बारे में या इमल्सन के बारे में। पायस या इमल्सन का मतलब पता क्या होता है, ज्यादा मुश्किल इसका मतलब नहीं है, बहुत आसान है कि जब दो द्रवों को आपस में आप घोल दोगे और वे दोनों द्रव बहुत कम घुलनशील होंगे तो उन दोनों द्रव के घुलने से बनेगा पायस या इमल्सन। जो कोलाइडी विलयन दोनों द्रवों के घुलने से बनता है उस कोलाइडी विलयन को ही बेटे पायस या इमल्सन कहते हैं। तो आपको एक बात बड़ी सिंपल सी ध्यान रखनी है, और बात ये ध्यान रखनी है कि यहां लिख दूं मैं, द्रव में बना, द्रव का द्रव में बना कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। ठीक है बेटे, बताओ ध्यान रखोगे इस चीज को, द्रव का द्रव में बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा इस पायस में एक बात है, एक खासियत होती है कि दोनों जो द्रव होते हैं ना, दोनों द्रव, दो द्रव को ही तो आपस में मिला दिया आपने, दोनों द्रव आपस में
आपस में मैं लिखूंगा बहुत कम, बहुत कम घुलनशील होते हैं। दोनों द्रव बेटे आपस में बहुत कम घुलनशील होते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब बहुत ज्यादा घुलनशील यदि वे होते फिर तो बेटे वास्तविक विलयन ही बन जाता। पर क्या पायस वास्तविक विलयन तो है ही नहीं, है तो बात पक्की है, पर क्या पायस कोई कोलाइडी विलयन भी नहीं है? बेटे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पायस एक कोलाइडी विलयन है। जब भी हमने लिखा यहाँ ऊपर पहले सेंटेंस में कि दो द्रव को जब आपस में मिलाओगे तो जो कोलाइडी विलयन बनेगा उसे कहते हैं पायस। पर कुछ वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब आप पायस के पार्टिकल्स का साइज देखते हो तो पायस के पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। ये तो बड़ी अजीब बात हुई भाई। हमने तो यूं पढ़ा है कि जब घोले गए पदार्थ के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होता है तो ऐसे विलयन को या ऐसे घोल को हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। और हम पायस को भी कोलाइडी विलयन कह रहे हैं, पर ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना ये है कि पायस के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज 1000 नैनोमीटर से 10000 नैनोमीटर के बीच होता है। तो इसका मतलब है तो मान तो लो आप इसे कोलाइडी विलयन, पर कोलाइडी विलयन से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, कोलाइडी विलयन से थोड़ा सा क्या है, हटके। आप इसे निलंबन बिल्कुल भी नहीं कह सकते हो कि कभी आप इसे निलंबन कह दो। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा आपको, एग्जाम्पल देख लो। चलो अच्छा, जैसे हम बात करें दूध की, दूध बेटे एक पायस है, एक इमल्सन है। क्योंकि दूध क्या होता है बेटे, द्रव वसा जो है दूध में क्या होती है, द्रव वसा होती है लिक्विड फैट। ठीक है, और द्रव वसा के कण जल में घुले होते हैं, जल में घुले होते हैं। तो वसा घुली हुई है और वसा भी क्या है, द्रव, और जल भी क्या है, द्रव। और यहाँ लिख रखा है द्रव का द्रव में बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है बेटे, पायस कहलाता है। अब हम बात करेंगे जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, पायस के प्रकार, कि पायस कितने प्रकार का होता है। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है बेटे। ठीक है, तो पायस के प्रकार या आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ इमल्सन। क्या लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ इमल्सन। तो पायस के प्रकार दो होते हैं बेटे, या फिर मैं कह सकता हूं कि पायस होता है दो प्रकार का। यहां लिख दूं, दो प्रकार का होता है। कुछ बच्चे लिखेंगे दो प्रकार की होती है, आप जो भी अच्छा लगे वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप पायस को मेल या फीमेल जो भी बनाना चाहते हैं आपकी मर्जी है। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है बेटे पायस। उसमें जो सबसे पहला पायस है उसे कहते हैं तेल का, ध्यान से देखियो जरा, तेल का जल में पायस, तेल का जल में पायस, यानी कि ऑयल इन वाटर। ठीक है, इसे जो है जलीय पायस भी कहते हैं। मैं लिख दूं यहां, इसका दूसरा नाम है जलीय पायस, इसे बेटे जलीय पायस भी कहते हैं। तो हमने लिखा तेल का जल में पायस या ऑयल इन वाटर या जलीय पायस, एक तो पायस ही होता है। हेडिंग से ही आपको पता चल गया होगा कि तेल को हमने घोल रखा है किसमें, जल में। और इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं बस। इसके एग्जाम्पल में पहला तो है दूध, दूध में क्या है, वसा। वसा कह दो, चिकनाई कह दो, तेल कह दो, कुछ भी कह दो, तो वसा को किसमें घोल रखा है आपने, जल में घोल रखा है, कोमा। और बेटे जो वेनिशिंग क्रीम होती है ना, वेनिशिंग क्रीम भी एक ऑयल इन वाटर इमल्सन होता है। ठीक है, ये लिख दिया। इसके दो एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, एक तो होता है तेल का जल में पायस,
जब तेल को, वसा को, फैट को, चर्बी को, घी को, मक्खन को आप किस में घोल दोगे? जल में घोल दोगे। तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला पायस आप कह सकते हैं तेल का जल में पायस, या O/W। नंबर दो, दूसरा जो होता है वो होता है जल का तेल में पायस। तो जल को घोल रखा है तेल में, यानी वाटर इन ऑयल, और इसे जो है बेटे तेलीय पायस भी कहते हैं, या करके लिख दूं मैं, इसे आप कह सकते हो तेलीय पायस। अब बताओ, ये तो समझ में आ गया होगा आपके, जब जल को किस में घोला जाता है, तेल में या ऑयल में घोलते हैं, और उससे एक पायस हमें प्राप्त होता है, उसे कहते हैं हम जल का तेल में पायस। इसका एग्जाम्पल है बेटे, एक तो है मक्खन, ठीक है, एक तो मक्खन है और एक है कोल्ड क्रीम। क्या है? कोल्ड क्रीम। हमारे एक टीचर थे, उनका नाम था मक्खन सिंह। क्या नाम था? मक्खन सिंह था। वे हर एक बात में मक्खन मक्खन करते थे, नाम तो था ही उनका मक्खन सिंह। उनका नाम तो बेटे मक्खन सिंह था, पर थे वे बहुत कठोर। उनका नाम तो पत्थर सिंह होना चाहिए था, थे वे मक्खन सिंह और नाम उनका होना चाहिए था पत्थर सिंह। उनका व्यवहार अपने नाम से बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, मक्खन एक तरह का जल का तेल में पायस है, कोल्ड क्रीम है, और बेटे ग्रीस है। ग्रीस का तो आपको पता है, ग्रीस आदि हमने कपड़ों से साफ करी थी, ग्रीस साबुन जब पढ़ा था हमने, ठीक है। अच्छा, एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताऊंगा, चलो आपको एक बहुत बढ़िया पॉइंट ये है कि पायस का निर्माण, जब आप पायस बनाते हो, पायस का निर्माण करने की क्रिया, पायस का निर्माण करने की क्रिया पायसीकरण, पायस का निर्माण करने की क्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण। तो हमने सीखा है कि पायस का निर्माण करने की क्रिया पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहलाती है। इस चीज को आप ध्यान रखोगे बेटे बिल्कुल, कि यदि आप पायस बना रहे हो, चाहे तो तेल का जल में या जल का तेल में, तो इस घटना को या इस क्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटे? पायसीकरण। चलो अगली बात कर रहे हैं, अगली बात हम जो करेंगे उसे कहते हैं पायसी कारक। क्या कहते हैं? पायसी कारक, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है पायसी कर्मक। क्या लिखा हुआ है बेटे? पायसी कर्मक भी लिखा हुआ है कुछ बुक्स में, और बेटे इसे इंग्लिश में आप कह सकते हो इमल्सीफाइंग एजेंट, ठीक है। इस स्पेलिंग को भी सही कर लो, इमल्सीफिकेशन, इमल्सीफिकेशन। अब हो गया ना, ठीक। तो पायसी कारक, एक तो पायसी कारक या पायसी कर्मक या इमल्सीफाइंग एजेंट, चलो इसके बारे में समझेंगे कुछ। अब आपको एक बात बताऊंगा कि मान लो आपको इस बात का पता चल गया है कि दो द्रव को आपस में जब आप मिलाते हो तो बनता है पायस, पर दोनों द्रव एक दूसरे में बहुत कम घुलनशील होते हैं, इसलिए वे तो घुलने को तैयार ही नहीं है। तो उसमें दोनों द्रवों के अलावा एक तीसरा पदार्थ भी बेटे हमें घोलना पड़ता है, और वो तीसरा पदार्थ क्या करता है? उन्हें आपस में घुले रखने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है बेटे? आपस में घुला रहने के लिए मजबूर, अर्थात पायस को बनाता है स्थाई। क्या करता है? पायस को स्थाई बनाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि पायस को स्थाई करने के लिए उसमें एक
तीसरे पदार्थ, दो तो द्रव ही हो गए, उसमें एक तीसरे पदार्थ को भी, तीसरे पदार्थ को भी घोला जाता है। जिसे क्या कहते हैं, पायसी कर्मक लिख दूं, चलो, जिसे पायसी कर्मक, पायसी कर्मक कहते हैं। तो ये जो तीसरा पदार्थ है बेटे, ये क्या करेगा, दोनों द्रवों को आपस में घुलने के लिए मजबूर करेगा, जिससे वे आपस में घुलेंगे, और आपस में घुलेंगे तो बनेगा कोलाइडी विलयन, जिसे आप कहते हो पायस। तो पायसी कर्मक में कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिख रहा हूं, वे ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। एक तो आपको ध्यान रखना है साबुन, एक ध्यान रखना है सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिक अम्ल, ये भी एक पायसी कर्मक है या पायसी कारक है, ठीक है बेटे। एक आपको ध्यान रखना है कोई सा भी सल्फेट, एक आपको ध्यान रखना है जिलेटिन, जिलेटिन भी बहुत अच्छा पायसी कारक है। एक आपको ध्यान रखना है गोंद, गोंद भी बहुत अच्छा पायसी कारक है। तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है क्ले, ठीक है, क्ले पता है ना आपको किसे कहते हैं, क्ले कहते हैं जो आपके पास मिट्टी होती है उसमें पानी मिला दोगे तो वो जो गारा बनेगा उसे कहते हैं क्ले। आप स्टेशनरी की दुकान पे जब जाओगे तो बच्चों के खेलने के लिए भी क्ले मिलती है, वहां से 10 रुपए की क्ले दे दो अंकल जी, अंकल जी 15 रुपए की क्ले दे दो। तो इस तरह क्ले से बच्चे बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक, क्ले का मतलब कुछ नहीं है, क्ले बिल्कुल ऐसा है कि मान लो आपके पास क्ले बनानी है आपको, तो चिकनी मिट्टी को पानी में मिला के चिकनी मिट्टी लो और उसमें पानी मिलाओ और उससे जो है एक तरह का वो बन जाएगा आपका स्लरी या गारा बन जाएगा, और उस गारे को ही क्ले कहते हैं, बस यूं समझ लो, और कुछ नहीं है क्ले। कभी आपको इस नाम से डर लग रहा हो, आजकल वो गारा जो है स्टेशनरी की दुकानों पे भी बिकने लग गया होगा, बिकने लग चुका है, लग रहा है, बिक रहा है, ठीक है बेटे, क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा बदल गया है। एक दिन मैंने देखा कि OLX पे देखा और पता नहीं किस पे, स्नैपडील पे देखा, मैंने देखा कि वहां जो है ना गांव में जो हम बनाते हैं गाय के गोबर के जो वो बनाते हैं उपले या फिर गोस्ते बनाते हैं, वे गोस्ते भी बिक रहे थे OLX पे भी और वहां भी बिक रहे थे उसके स्नैपडील पे, और एक गोस्ता 50 रुपए का था। मैंने दिमाग में सोचा कि यार एक उपला 50 रुपए का है, 50 रुपए का तो पूरा बोरी या पूरा कट्टा भर के मिलता है हमारे गांव में, तो कुछ भी बिक सकता है कहीं भी। तो यहाँ लिखा है बेटे गोंद भी एक क्या है, पायसी कारक है, ठीक है बेटे। आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन, आयोडीन भी एक पायसी कारक है या पायसी कर्मक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखोगे कि कौन कौन से हमारे पास स्पाइसी कारक हैं। जल्दी से आप स्क्रीन शॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। ले लिया बेटे स्क्रीन शॉट, ठीक है। तो बेटे अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि सर स्पाइसी कारक जो है या स्पाइसी कर्मक जो है, इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि ये पायस को स्थायी बनाता है, यानी कि इमल्सन को स्टेबल करता है, ऐसी क्या खासियत है इसके अंदर, मतलब ये काम कैसे करता है आखिरकार। तो इसके बहुत सारे बातें, बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं, उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से समझेंगे सब बेटे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना ऐसा है कि जो पायसी कारक है ना, पायसी कारक, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पायसी कारक दोनों घटकों के बीच, दोनों घटक का मतलब दो द्रव को ही तो आपस में घोल के आपने बनाया है कोलाइडी विलयन, जिसे आप कहते हो पायस। तो पायसी कारक दोनों घटकों के बीच एक परत बना देता है, दोनों घटकों के बीच एक परत बना देता है, जिसके कारण
वे आपस में नहीं जुड़ पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आपस में नहीं जुड़ पाते हैं, सर इसका क्या मतलब है? बेटे जब दो द्रव आपस में कम घुलनशील होते हैं ना, तो वे या तो आपस में जुड़ेंगे उनके पार्टिकल्स, और या फिर वे दूसरे के साथ जुड़ेंगे और जुड़ के मोटे गुच्छे बन जाएंगे, और गुच्छे बन गए तो स्कंदन ही हो गया, फिर तो नीचे बैठ जाएंगे, फिर कौन कहेगा उसे कोलाइडी विलयन है ये। ठीक है, एक तो कंसेप्ट ये है, ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जरा ध्यान से समझियो, एक और कंसेप्ट है जो बहुत बढ़िया है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि जो पायसी कारक होता है ना, पायसी कारक कह दो या पायसी कर्मक कह दो, एक ही बात है बेटे, पायसी कारक दोनों द्रवों में से, दो द्रव ही तो घोल के आपने पायस बनाया है, दोनों द्रवों में से उस द्रव की बूंदों के चारों ओर, ध्यान से समझियो बेटे, बिल्कुल भाई, दो द्रव हैं, उन दोनों द्रवों में से उस द्रव की बूंदों के चारों ओर रक्षक परत बनाता है जो द्रव, कौन से द्रव की बूंदों के चारों तरफ रक्षक परत बनाएगा? देखो, जो द्रव कम घुलनशील होता है, जो द्रव कम घुलनशील होता है, ये वाला पॉइंट ज्यादा अच्छा है। मतलब आपको पता है कि दो द्रव हैं, दोनों को आपस में मिला दिया, तो उन दोनों द्रवों में से एक द्रव कम घुलनशील होगा और एक द्रव होगा ज्यादा घुलनशील। तो जो कम घुलनशील द्रव है उसकी बूंदों के चारों ओर रक्षक परत या प्रोटेक्टिंग लेयर बनाएगा कौन? पाइसी कारक या पाइसी कर्मक। उससे क्या होगा बेटे? उससे ये होगा कि जब द्रव की बूंदों के चारों तरफ प्रोटेक्शन लेयर बन गया, तो वे द्रव की बूंदें आपस में नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि उस द्रव की जो है एक टेंडेंसी है, उसके अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि वे आपस में जुड़ के बड़े कण उन्हें बनाने हैं और कहना है कि मैं इस द्रव में घुलने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे पायस या इमल्सन या फिर कोलाइडी विलयन नहीं बनाना है। तो क्या करता है कि द्रव की बूंदों के चारों ओर रक्षक परत बनाता है जो द्रव में कम घुलनशील होता है, अतः उस द्रव की बूंदें, उस द्रव की बूंदें आपस में, उस द्रव की बूंदें आपस में जुड़कर आकार को नहीं बढ़ा पाती हैं, आकार को नहीं बढ़ा पाती हैं। तो यदि आकार बढ़ गया फिर तो वो कोलाइडी विलयन रहेगा ही नहीं, फिर तो बेटे वो निलंबन बन जाएगा। तो हमें देखना है कि कौन सा द्रव कम घुलनशील है, और उस द्रव की ही टेंडेंसी है कि वो आपस में अपनी बूंदों को या पार्टिकल्स को जोड़ के साइज को बड़ा करना चाह रहा है और द्रव में घुलना नहीं चाह रहा है, इसलिए उसने पायसी कारक या पायसी कर्मक ने क्या करा, उस कम घुलनशील द्रव के अंदर ही, उसकी बूंदों के चारों तरफ ही एक लेयर बनाया कि मैं 2 या 3 या 10 या 12 या 1000 बूंदों को आपस में जुड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि यदि वे बूंदे आपस में जुड़ेंगी तो साइज बढ़ेगा और घुलनशीलता घटेगी। तो उन बूंदों को दूर दूर रखने के लिए, सेपरेट रखने के लिए किसने काम करा है? पायसी कर्मक ने या पायसी कारक ने। ठीक है बेटे, अच्छा चलो एक बात कर रहे, बहुत अच्छी। अब हम पढ़ेंगे पायस का अपघटन, कि आपके पास कोई पायस है और उसका अपघटन आप कैसे करोगे, इसे विपायसीकरण भी कहते हैं, विपायसीकरण। तो पायस का अपघटन कह लो या फिर आप कह सकते हो विपायसीकरण। ठीक है, तो पायस का अपघटन या विपायसीकरण,
इसे आप कह सकते हो ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन, या तो आप ब्रेकिंग ऑफ इमल्सन कहो, और या फिर आप कहोगे दूसरा वी पायसीकरण को इंग्लिश में कह सकते हो डी इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो पायस का अपघटन या वी पायसीकरण का मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जो पायस है ना, पायस को उसके घटकों में तोड़ना, ठीक है, उसके दोनों द्रवों में अवयवों में अलग अलग कर देना, पायस को उसके घटकों में तोड़ने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। देखो बेटे, ध्यान से समझियो सब, कि कौन कौन सी विधि आप प्रयोग कर सकते हो। भाई घटकों में तोड़ना ही होता है अपघटन, पायसता या विपायसीकरण। कौन सी विधि है? सबसे पहली विधि है, देखो ध्यान से, सबसे पहली विधि है गर्म करके। क्या है बेटे? गर्म करके मतलब यदि आप पायस को गर्म करते हो, तो बहुत सारे पायस ऐसे हैं जो गर्म करके उसके दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैं कल या परसों बात कर रहा था आपके साथ कि जब गाय या भैंस पहली बार दूध देती है, तो उस दूध को आप जब गर्म करते हो लगातार, तो उसके दोनों घटक हो जाते हैं अलग अलग और बनता है खीस। क्या बनता है? खीस बनता है, खीस बनता है, खीस जिसे पीते हैं हम, और वो बहुत ज्यादा पौष्टिक होता है। तो गर्म करके भी आप क्या कर सकते हो? अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा, थोड़ा सा एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊं जो आपको घर में देखने को मिलेगा। आपकी मम्मी जब दूध को गर्म करती है ना बार बार, तो दूध के ऊपर आ जाती है मलाई। तो मलाई भी आना, मलाई का आना एक प्रकार का विपायसीकरण है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो गर्म करके भी आप विपायसीकरण कर सकते हो। नंबर दो, जमाकर भी आप विपायसीकरण कर सकते हो। बहुत सारे पायस ऐसे हैं जिन्हें आप जमाओगे यानी ठंडा करोगे, उसके बाद क्या होगा कि उनके दोनों जो घटक हैं वे अलग अलग हो जाएंगे। आप एक प्रैक्टिकल करके देख लो, जो चीज इजीली अवेलेबल है। घर में दूध को गर्म करो, दूध असली होना चाहिए बिल्कुल, दूध को गर्म करो, और गर्म करने के बाद आप उसे फ्रिज में रख दो बस। तो फ्रिज में यदि आप रखोगे, तो दूध के ऊपर मोटी मलाई जमेगी, मोटी मलाई यानी कि विपायसीकरण जो है उसका स्पीड हो जाएगा फास्ट। और तीसरा तरीका है बेटे अपकेंद्रण द्वारा। अपकेंद्रण द्वारा ये तो काम करते ही हैं सब लोग, अपकेंद्रण द्वारा। भाई आप जब घर में लस्सी या मट्ठा बनाते हो, तो बताओ अपकेंद्रण ही तो करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन ही तो है आपकी। एक तरह की जो रई है या मथानी है, वो एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है, अपकेंद्रित्र है या अपकेंद्रण मशीन है। या फिर आप देखते हो कि जो डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग में क्या करते हैं, उनके पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, और उसमें वे डालते हैं दूध को, और दूध से करते हैं अलग किसे क्रीम को, तो क्रीम को अलग करते हैं। ये भी क्या है बेटे? अपकेंद्रण विधि है। और एक तरीका और है विपायसीकरण का। एक तरीका है बेटे विद्युत अपघटय मिलाकर, विद्युत अपघटय मिलाकर। तो विद्युत अपघटय मिलाकर भी आप विपायसीकरण कर सकते हो, ठीक है बेटे। विद्युत अपघटय मिलाकर भी आप क्या कर सकते हो? विपायसीकरण कर सकते हो। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बातें करेंगे हम। बहुत अच्छी अच्छी ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। अब हमें देखने हैं कोलाइडों के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड, कि दैनिक जीवन में कोलाइड का कहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे सब। देखो बेटे, हमने लिखा है कोलाइडों के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। इसमें नंबर एक है खाद्य पदार्थ तथा औषधियां। बेटे बहुत सारे खाद्य पदार्थ और बहुत सारी दवाइयां कोलाइडी रूप में ही प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि वे होते हैं इजी टू डाइजेस्ट या इजी टू एब्जॉर्ब। तो जब कोई खाने की चीज कोलाइडी फॉर्म में होती है, तो उसका पचना, उसका डाइजेशन होना बहुत आसान होता है,
और उसका अवशोषित और अधिशोषित होना भी बहुत आसान होता है। जैसे आप मैदे का कोई भी चीज बना के खाओगे तो वो पचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका डाइजेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत मुश्किल से होगा। पर यदि उसी मैदे का आप फर्मेंटेशन करोगे, किण्वन करोगे और उससे बनाओगे आप डबल ब्रेड, बन या फिर भटूरे बनाओगे, भटूरे में तो आपको खमीर उठा के ही बनाने पड़ते हैं बेटे, तो उससे जो कोलाइडी विलयन बनता है उसका डाइजेशन बहुत आसान होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ तथा औषधियाँ, इसमें लिखा है दूध, मक्खन, आइसक्रीम, जेली, ब्रेड आदि कोलाइड हैं। ये सारे बेटे कोलाइड ही तो हैं, और जो कोलाइड हैं वे इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, और कोलाइडी औषधियां सरलता से अधिशोषित होती हैं। जैसे आई ड्रॉप है एक, आरजी रोल एक आंख में डालने की दवाई है बेटे, आरजी रोल। ये आरजी रोल क्या है, एजी का सॉल है, सिल्वर का या चांदी का कोलाइडी विलयन है, और कोलाइडी एंटीमनी का प्रयोग किया जाता है काला जार के उपचार में। काला जार एक रोग है, उसके उपचार में प्रयोग किया जाता है एंटीमनी का कोलाइडी रूप। कोलाइडी गोल्ड का प्रयोग किया जाता है अंतः पेशी इंजेक्शन में। भाई इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो नॉर्मली कोई भी लगा सकता है, मैं भी लगा सकता हूँ उस इंजेक्शन को, ठीक है। आप स्किन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाओ निडिल का, और आप निडिल को पूरा एंट्री करा दो स्किन के अंदर, और फिर आप इंजेक्ट कर दो उस मेडिसिन को बहुत स्लो स्पीड से। ऐसे इंजेक्शन को तो कोई भी लगा सकता है, पर यदि मैं आपको कहूँ कि आप अंतः पेशीय इंजेक्शन लगाना है, तो अंतः पेशीय इंजेक्शन लगाने का काम सिर्फ डॉक्टर्स का ही होता है, उसे हमारे जैसा कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं लगा सकता है, तो वो बहुत डीप लगता है। और इसमें लिखा है कि कोलाइडी गोल्ड जो है वो अंतः पेशीय इंजेक्शन में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब प्रयोग की जाती हैं औषधियां किस फॉर्म में, कोलाइडी फॉर्म में। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल आप ध्यान रखोगे। नंबर दो है धुएं के अवक्षेपण में। बेटे आपको पता है कि हमारे देश में है बहुत सारी फैक्ट्रियां, और बहुत सारी फैक्ट्रियों और कारखानों में से निकलता है बहुत ज्यादा धुआं, और धुएं में सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है कार्बन के कण, जिसके कारण धुएं का रंग हो जाता है काला, और वे कार्बन के कण वायुमंडल को कर देते हैं प्रदूषित, ठीक है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या तरीका है, यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है, ये चित्र है बेटे चिमनी का, किसी फैक्ट्री की चिमनी का चित्र है, और नीचे से आ रहा है इसमें धुआं, और धुएं में है कार्बन के ऋण आवेशित कोलाइडी कण। ये सब क्या है, कार्बन के ऋण आवेशित कोलाइडी कण है। यदि कार्बन के इन ऋण आवेशित कोलाइडी कणों को आप धुएं से हटा दोगे ना, तो सिर्फ गर्म गैसें बचेंगी और कुछ नहीं बचेगा उसमें, उसमें कम से कम कार्बन के पार्टिकल्स तो नहीं बचेंगे। तो हमने इन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, कार्बन के ऋण आवेशित कणों को अलग करने के लिए, चिमनी में आप एक उपचार ये कर सकते हो, एक उपाय लगा सकते हो कि चिमनी में एक धन आवेशित गोला लटका दो, एक गोला लटकाओ जिसके ऊपर धन आवेश हो, और इस गोले का वोल्टेज हो बहुत ज्यादा, हाई वोल्टेज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला एक गोला लटकाना है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जितने ऋण आवेशित कार्बन के कण है, भाई धुआं तो निकलेगा ही चिमनी में से बाहर, तो कार्बन के ऋण आवेशित कण क्या होंगे, इस गोले पर जाकर, धन आवेशित गोले पर जाकर चिपकते रहेंगे, और चिपकने से क्या होगा कि ये ऋण आवेशित कार्बन के कण सारे यहाँ, जो भी यहाँ कण चिपकेगा वो उदासीन हो जाएगा, और जब वो उदासीन होगा तो ये सारे कार्बन के उदासीन कण आपस में जुड़ेंगे और गुच्छे बनाएंगे, और गुच्छे बन के जितना ही भारी गुच्छा होगा वो नीचे गिरेगा, तो वो क्या करेगा, चिमनी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तो चिमनी के बिल्कुल नीचे धरती पे बहुत सारा कार्बन कार्बन इकट्ठा हो जाएगा, और ये कार्बन के पार्टिकल चिमनी से बाहर नहीं निकलेंगे। अब यदि आप सोच रहे होंगे जी कोई कार्बन का पार्टिकल तो बहुत तेज हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कोई कार्बन का कण ऐसा हो कि वो चालाकी करे और यहाँ बराबर में से निकल जाए, तो जो बराबर में से निकलेगा कार्बन का पार्टिकल उसका भी आप इलाज कर सकते हो। क्या इलाज कर सकते हो कि इसके गोले के जस्ट ऊपर कुछ दूरी पर एक प्लेट लगा दो, और प्लेट पे चार्ज होना चाहिए ऋण आवेश, माइनस चार्ज होना चाहिए, तो जो कार्बन का पार्टिकल इसको टच कर गया वो तो उदासीन हो गया, उसका तो हो जाएगा स्पंदन, वो तो नीचे गिरेगा ही, पर जो कार्बन का ऋण आवेशित पार्टिकल अपने आप को समझ रहा है हीरो कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं है, मैं तो साइड में से निकल के भाग जाऊंगा, तो वो जैसे ही साइड में से निकल के भागेगा सामने उसे दिखाई देगा ऋण आवेश,
अब बताओ कार्बन का पार्टिकल जो साइड से निकल के गया है वो भी ऋणावेशित है, और ऊपर जो प्लेट लगाई वो भी ऋणावेशित है। तो बताओ ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा या नहीं करेगा। मतलब यहाँ जो ये पार्टिकल पहुंचा ऋण आवेशित कार्बन का कण, वो तो वहां से प्रतिकर्षित होगा, और जब वो ऋण आवेशित प्लेट से प्रतिकर्षित होगा तो ऋण आवेशित प्लेट कहेगी कि वहीं चल वापिस, और वापिस जाके वही धन आवेशित गोले के संपर्क में आ और अपने आप को उदासीन करवा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आप डबल ट्रीटमेंट कर सकते हो, और इसे धुएं के अवक्षेपण में यही बात मैंने लिखी है, इसे पढ़ लेना आप, समझ में तो आ गया आपके। उसके बाद नंबर 3 है बेटे, जल के शोधन में। बेटे जो गंदा पानी होता है ना उसमें अशुद्धियां होती हैं ऋण आवेशित, ध्यान से समझियो, बिल्कुल ध्यान से। जो अशुद्ध जल होता है उसमें ज्यादातर अशुद्धियां ऋण आवेशित होती हैं। कैसी होती हैं बेटे? ऋण आवेशित अशुद्धियां, या कह सकता हूं मैं ऋण आवेशित कोलाइडी कण। और उन ऋण आवेशित अशुद्धियों या कोलाइडी कणों को अलग करने का तरीका है कि आप उसमें फिटकरी मिला दो, या तो फिटकरी को पीस के डाल दो उस पानी में, या फिर फिटकरी के कुछ टुकड़े डाल दो। तो फिटकरी में होता है Al₃₀+ आयन, और फिटकरी में K+ आयन भी होता है। तो फिटकरी के जो धन आयन है, ये धन आयन उन ऋण आवेशित अशुद्धियों वाले कोलाइडी कणों का स्कंदन कर देंगे, जिसके कारण वे ऋण आवेशित अशुद्धियां आपस में जुड़ेंगी, और जुड़ के मोटे गुच्छे बनाएंगी, और मोटे गुच्छे बन के नीचे बैठ जाएंगी। और जब आप कुछ घंटे बाद चेक करोगे तो आपको पानी जो बर्तन में मिलेगा वो ऊपर की तरफ बिल्कुल शुद्ध मिलेगा, और अशुद्धियां बैठी होंगी बर्तन की तली में। फिर आप उस पानी को निथार लोगे, क्या कर लोगे? निथार लोगे किसी दूसरे बर्तन में ऊपर से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जल के शोधन में, जल से ऋण आवेशित अशुद्धियों का स्कंदन करने के लिए फिटकरी के Al₃₀+ व K+ आयनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद नंबर 4 है रबड़ व्यवसाय में। बेटे आपको मैंने पहले भी सिखाया है कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं कि उनके अंदर से निकलता है सफेद दूध। क्या निकलता है? सफेद दूध निकलता है, और बेटे सफेद दूध को हम कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं? लेटेक्स। और बेटे लेटेक्स जो है, पता क्या है लेटेक्स? लेटेक्स ऋण आवेशित रबड़ के कोलाइडी कणों का एक कोलाइडी विलयन है। लेटेक्स एक कोलाइडी विलयन है, और उसमें क्या है? रबड़ के ऋण आवेशित कण। तो मान लो आपके पास कोई धातु है, और उस धातु के ऊपर मुझे चढ़ाना है रबड़। क्या चढ़ाना है? रबड़ चढ़ाना है। तो आप एक काम करो ना, एक बड़ा सा बर्तन ले लो, और बर्तन में भर दो लेटेक्स यानी ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन, उसमें ऋण आवेशित कण किसके हैं? रबड़ के हैं। और उसमें उस धातु का एनोड बना दो जिस धातु के ऊपर आपको रबड़ चढ़ानी है, और धारा प्रवाहित कर दो। तो आपको पता कि ऋण आवेशित रबड़ के जो कण हैं वे सारे के सारे एनोड की तरफ को दौड़ेंगे, और एनोड की तरफ को दौड़ेंगे तो वो धातु का ही आपने एनोड बना रखा है जिसके ऊपर आपको रबड़ चढ़ानी है। तो वे सारे कण उस धातु के ऊपर जा जाके चिपकेंगे, और धातु जितनी भी उस लेटेक्स में डुबी हुई होगी उस पूरी धातु पर रबड़ चिपक जाएगी, और उसकी मोटाई लगातार बढ़ती रहेगी। ये बहुत अच्छा तरीका है किसी धातु के ऊपर रबड़ चढ़ाने का। तो यहाँ लिखा हुआ है रबड़ व्यवसाय में लेटेक्स रबड़ का एक ऋण आवेशित तौल होता है। इसमें उस धातु का एनोड बनाकर डुबाया जाता है जिस पर रबड़ चढ़ानी होती है। तो जिस पर आपको रबड़ चढ़ानी है उस धातु का एनोड बनाओ, लेटेक्स में डुबाओ, और कैथोड दूसरी धातु का बना लो, और विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। तो रबड़ के जो ऋणावेशित कोलाइडी कण हैं उनमें होगा विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उससे सारे ऋणावेशित रबड़ के कोलाइडी कण दौड़ के आएंगे एनोड के ऊपर और चिपक जाएंगे, सारे स्कंदन हो जाएगा उनका। ठीक है बेटे। उसके बाद है नंबर 5 चर्म शोधन में। चर्म शोधन को टैनिंग भी कहते हैं, टैनिंग ध्यान रखना है, टैनिंग शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चर्म शोधन से बच्चे ज्यादातर ऐसा समझते हैं कि चमड़े को शुद्ध किया जाता है, या टैनिंग का मतलब चमड़े को शुद्ध करना। यदि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि मान लो हमारे पास जितने भी पशु हैं और उनकी खाल की बात करूं, तो उनकी खाल तो बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, और जब हम उसकी खाल से यानी लेदर से यानी चमड़े से शूज बनाते हैं, जूते बनाते हैं, तो जूते का चमड़ा तो बहुत कठोर होता है, या फिर आप कुछ भी बेल्ट बनाते हो या चमड़े से बहुत सारी चीजें बनती हैं।
तो जब हम उस चमड़े से जूते बना रहे, तो जूते में तो चमड़ा बहुत कठोर है, पर जब वो किसी जानवर के ऊपर था तो इतना कठोर नहीं था वो चमड़ा। जो जितने जंतु हैं, जानवर हैं, उनकी खाल तो इतनी हार्ड नहीं होती है, इतनी कठोर नहीं होती है। तो क्या होता है बेटे कि जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, उनकी खाल जो है एक कोलाइडी विलियन है, और वो कोलाइडी विलियन या कोलाइडी सॉल कह दो या खाली सॉल कह दो, वो धन आवेशित प्रोटीन का कोलाइडी विलयन है। इस बात को आप समझेंगे, अपने दिमाग में घुसाएंगे कि जितने भी जंतु हैं, जानवर हैं, उनकी खाल क्या है? धन आवेशित प्रोटीन का कोलाइडी विलयन है। और अब आप क्या करोगे कि एक बड़ा सा बर्तन लोगे और उस बर्तन में भरोगे टेनिन। क्या भरोगे? टेनिन। टेनिंग नहीं बोल रहा मैं, टेनिन। टेनिन होता है एक ऋण आवेशित सॉल या ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन। आपने एक बर्तन लिया बहुत बड़ा और बर्तन में भर दिया टेनिन। टेनिन क्या है? एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है, और कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपने उसमें डुबा दी बहुत सारे जानवरों की खाल। तो जब आपने खाल डुबाई, खाल क्या है? धन आवेशित कोलाइडी विलयन, और टेनिन क्या है? ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन। तो यूं बताऊं, उनका आपस में स्कंदन नहीं हो जाएगा क्या? जिसे आप कह सकते हो पारस्परिक स्कंदन, ठीक है। तो उनका आपस में स्कंदन हो जाएगा, और स्कंदन होने से क्या होगा कि जो खाल के अंदर प्रोटीन के धनावेशित पार्टिकल्स हैं वे पास पास आ जाएंगे, और चमड़ा या खाल हो जाएगी कठोर, हार्ड। और फिर हार्ड होने के बाद आप उस चमड़े से कुछ भी चीज बना सकते हो, उसे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। इसे कहते हैं टेनिन। क्या कहते हैं बेटे? टेनिन। तो यहाँ लिखा हुआ है चर्म शोधन में पशुओं की खाल धनावेशित प्रोटीन वाला सॉल होती है। जब इसे ऋणावेशित सॉल अर्थात टेनिन में भिगोया जाता है तो पारस्परिक स्कंदन होने के कारण चमड़ा कठोर हो जाता है। इसमें एल्यूमिनियम तथा सीआर का भी प्रयोग किया जा सकता है, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हो। टेनिंग तो चीज है, टेनिन। टेनिन तो है ऋणावेशित कोलाइडी विलयन, और ये जो लिखा हुआ ना चर्म शोधन को टेनिंग भी कहते हैं। इस चीज को लिख लेना अपनी कॉपी में आप, टेनिंग, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे आकाश का नीला रंग। आपको पहले भी मैंने समझाया था और फिजिक्स वाले टीचर्स ने भी समझाया होगा कि आसमान में या वायुमंडल में है बहुत सारे धूल के कण, और धूल के कणों से सूर्य से आने वाले जो प्रकाश हैं उसमें से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उन धूल के कणों द्वारा, जिसके कारण नीला रंग का प्रकाश पूरे आसमान में बिखर जाता है और आसमान हमें दिखाई देता है नीला। और बेटे समुद्र भी इसी कारण से नीला दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों द्वारा नीले रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि सूर्य के प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, तो 7 रंगों में से नीले रंग के प्रकाश का ही प्रकीर्णन क्यों होता है? तो आपका क्या जवाब होगा? आपका जवाब होगा कि सर नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन इसलिए होता है क्योंकि नीले रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जितनी कम होती है उसका प्रकीर्णन उतना ही ज्यादा होता है। आपने कभी सोचा है इस बारे में कि जो हमारी एम्बुलेंस होती है या फिर होती है पुलिस की गाड़ी, तो उनके ऊपर 2 कलर की लाइट लगी होती है, एक तो रेड लगी होती है और एक ब्लू। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि रेड कलर की लाइट क्यों लगी होती है, तो आप एकदम जवाब दे दोगे, उत्तर दे दोगे कि रेड कलर की लाइट इसलिए लगी होती है क्योंकि रेड कलर की लाइट का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है और रेड कलर की लाइट का वेग भी सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेग है तो वो ज्यादा दूरी तक जल्दी जा सकती है रेड कलर की लाइट। इसलिए यदि कहीं एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी आ रही होगी तो बहुत दूर दूर जो लोग हैं, जो आदमी बहुत दूर दूर खड़े हुए हैं, उन्हें दूर से ही रेड कलर की लाइट चमक जाएगी और पता चल जाएगा कि हाँ पुलिस आ चुकी है या एम्बुलेंस आ चुकी है, या उनके लिए रास्ता छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ दूसरा सवाल आता है कि सर ये बात तो चलो ठीक है, हमें पता ही थी पहले से रेड कलर की लाइट इसलिए होती है क्योंकि रेड कलर की स्पीड होती है सबसे ज्यादा, पर ब्लू कलर की लाइट क्यों होती है वहां? बेटे ब्लू कलर की लाइट होती है
इसलिए क्योंकि ब्लू कलर का एक खासियत है कि उसका प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा बिखरता है। तो दूर वाले आदमियों को तो पता चलेगा किससे, रेड कलर की लाइट से, पर जो आदमी उसके आसपास हैं उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। तो आसपास के आदमियों को या आसपास के लोगों को पता लगाने के लिए, उन्हें पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लू कलर की लाइट। यदि आपको लाइट को अपने आसपास ही रखना है और बहुत ज्यादा फैलाना है तो ब्लू कलर की लाइट सबसे अच्छी है, और यदि लाइट को कम फैलाना है और दूर तक वार करना है तो रेड कलर की लाइट सबसे अच्छी है। इसीलिए बेटे जो बच्चों के खेलने की लेजर लाइट होती है वो भी रेड कलर की होती है, क्योंकि उसका प्रभाव होता है बहुत दूर तक। ठीक है, ये बहुत सारी बातों में बेटे विज्ञान छुपा हुआ है जिसे हमें तलाशना चाहिए इधर उधर। हमारे चारों तरफ बेटे विज्ञान ही है और कुछ नहीं है, पर हम उसे समझते नहीं है। देखो नंबर 7, रक्त स्राव रोकना। आपको मैंने बताया था कि यदि आप शेविंग कराने जाओगे और आपका ब्लेड आपके लग गया तो खून निकलेगा, तो आपका जो हेयर ड्रेसर है, जो आपके नाई हैं, वो क्या करेंगे, आपके चेहरे पे रगड़ेंगे फिटकरी, और फिटकरी में होते हैं AL PP- आयन, जो रक्त के ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन कर देंगे और खून वहीं जम जाएगा। अब तो फिटकरी से भी बहुत अच्छी चीजें मार्केट में आ चुकी हैं, जिसे आप कहते हो आफ्टर सेव लोशन। क्या कहते हो, आफ्टर सेव लोशन कहते हो। बेटे आफ्टर सेव लोशन की दो खासियत होती हैं, एक तो उस वो होता है एक प्रबल विद्युत अपघटन, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आयन देता है हमें, और दूसरा यह है कि वो जो आयन देता है उन आयन की संयोजकता भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आफ्टर सेव लोशन इज मच बेटर देन पोटास एलम या एलम या फिटकरी। फिटकरी से ज्यादा अच्छा होता है आफ्टर सेव लोशन। ठीक है बेटे, तो यहाँ लिखा हुआ है रक्त एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है जिसका स्कंदन FeCl3, आप FeCl3 से भी स्कंदन कर सकते हो। आफ्टर सेव लोशन में FeCl3 भी होता है, बहुत सारी कंपनियां इसे यूज करती हैं, क्योंकि ये देगा Fe PP- आयन देगा ना, या फिटकरी, फिटकरी से मिलता है एल्यूमिनियम आयन और पोटेशियम आयन से करते हैं। इससे आप करोगे स्कंदन, खून से बहने को रोक दोगे। आप या तो आफ्टर सेव लगा लो या फिर आप फिटकरी लगा लो। ठीक है, इनमें ज्यादा अच्छा आफ्टर सेव है। नंबर 8, डेल्टा का बनना। देखो डेल्टा का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। डेल्टा पता है ना आपको, आपने नाम सुना होगा सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, डेल्टा वो जगह होती है, वो भूभाग होता है जहां नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं। जहां भी नदी समुद्र में जाके गिरेगी वहां बीच में बन जाते हैं धरती के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, यानी कि एक त्रिभुजाकार आकृति, और उस त्रिभुजाकार आकृति को ही हम कहते हैं डेल्टा। देखो इस चित्र को देखो, ये ऊपर से क्या आ रही, नदी, नीचे क्या है, समुद्र। नदी में बेटे जो अशुद्धियां होती हैं वे होते हैं ऋण आवेशित कोलाइडी कण। ध्यान से समझियो, नदी का जल एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है, और समुद्र के जल में होते हैं बहुत सारे विद्युत अपघटन। बताओ नमक समुद्र से ही नहीं प्राप्त होता क्या? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये दुनिया भर के, इसके अलावा भी बहुत सारे साल्ट या विद्युत अपघटन समुद्र के अंदर होते हैं। तो इसलिए मैंने प्लस माइनस इसलिए बनाए बहुत सारे। नदी तो है ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन, और समुद्र है विद्युत अपघटनों का भंडार, और विद्युत अपघटन ही दुश्मन है किसका, कोलाइडी विलयन का। तो जब नदी का जल और समुद्र का जल आपस में मिलेंगे तो ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन कौन करेगा, समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघटन। और स्कंदन करने से आपको जो गुच्छे मिलेंगे, जो अवक्षेप मिलेगा, जो विशेष प्रकार का जो प्रोडक्ट मिलेगा, अवक्षेप प्रेसिपिटेट, वो यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगा बीच में, और बीच में बन जाएगी एक त्रिभुजाकार आकृति। इस त्रिभुजाकार आकृति को ही हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं बेटे, डेल्टा कहते हैं इसे, डेल्टा। और एक बात बताऊं, ये डेल्टा जो बनता है ना, इसकी जो क्षेत्रफल है वो लगातार बढ़ता रहता है। और बेटे ये बहुत उपजाऊ धरती होती है, बहुत उपजाऊ। ठीक है, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसमें जो अवक्षेप है वो बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ज्यादा उसमें पोषक तत्व होते हैं। तो हमें पता चल गया डेल्टा का बनना क्या है, यही मैंने लिख रखा है, पढ़ लोगे ना आप। नदी का पानी एक ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होता है जिसका स्कंदन समुद्र में उपस्थित वैद्युत अपघटनों द्वारा किया जाता है। स्कंदन से प्राप्त गुच्छों से डेल्टा बनता है, और बहुत सारी बातें और भी लिख सकते हो।
अब पाठ्य निहित का एक आठवां क्वेश्चन है, अवक्षेप का मात्रात्मक आकलन करने से पहले उसे जल से धोना क्यों आवश्यक है? तो बच्चे डर जाते हैं यहाँ, मात्रात्मक आकलन ही पता नहीं क्या बीमारी है, मात्रात्मक आकलन। बेटे मात्रात्मक आकलन कोई जीवा जंजाल नहीं है। मात्रात्मक आकलन का मतलब जो अवक्षेप आपको मिला है ना, उसे तोल के देखना है कितने ग्राम मिला है, कितने मिलीग्राम मिला है, बस ये है। अब ये वो कह रहे कि आप अवक्षेप को तोल लोगे, उसका मात्रात्मक आकलन करोगे, उससे पहले अवक्षेप को पानी से धो लो। क्यों धो रहे हैं हम उसे पानी से? इसलिए धो रहे क्योंकि जब आपका अवक्षेप बना था तो शायद ऐसा हो सकता है कि अवक्षेप पर जो अभिकारक अणु हैं, यानी जिनसे आपने अवक्षेप बनाया है, वे कुछ अभिकारक अणु अवक्षेप की सतह पे चिपक गए हों, अधिशोषित हो गए हों। तो आप तो उसे मान रहे हो सारे को अवक्षेप, पर उस अवक्षेप पे अधिशोषित हो रहे हो कुछ अभिकारक अणु, तो उन अभिकारक अणुओं का भी वजन आ जाएगा जब आप अवक्षेप को तोल लोगे। इसलिए अवक्षेप को पहले पानी से धो लेना चाहिए, जिससे अवक्षेप पर अधिशोषित अभिकारक अणु अवक्षेप से अलग हो सके और आपके पास बचे केवल अवक्षेप, और उस अवक्षेप को ही आप तोल के उसका वजन निकाल सको। ठीक है बेटे? तो मात्रात्मक आकलन से डरना नहीं है, उत्तर देखो। क्योंकि प्राप्त अवक्षेप की सतह पर कुछ अभिकारक अणु अधिशोषित हो सकते हैं, जिससे आकलन में गलती त्रुटि हो सकती है। ठीक है, अभ्यास का 16वां क्वेश्चन देखो। पायस या इमल्सन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार क्या हैं, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। बताओ, बता दोगे क्या पायस किसे कहते हैं? भाई दो द्रवों का कोलाइडी विलयन पायस है, और क्या है पायस? कुछ भी नहीं है पायस। उसके बाद इन्होंने कहा कि इनके विभिन्न प्रकार क्या हैं। भाई दो तरह के पायस बताए थे, तेल को पानी में घोल दो और या फिर पानी को तेल में घोल दो, और उनके उदाहरण भी इन्होंने कहा, प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। बताओ कर दोगे क्या बेटे इस क्वेश्चन को? तो अभ्यास का 17वां क्वेश्चन है, पायसी कर्मक पायस को कैसे स्थायित्व देते हैं? बताओ बेटे, सिखाया या नहीं सिखाया? मैंने बताया कि पायसी कर्मक जो पायस को स्टेबिलिटी दे रहे, दो तरीके से मैंने आपको सिखाया है, तो बहुत सारे कंसेप्ट पर दो तो सिखाई दिए तुम्हें, उन दो में से दोनों ही लिखियो आप पेपर में, दोनों कंसेप्ट। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला काम कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, ये एक अभ्यास का 24वां क्वेश्चन है, इसे देखो जरा। अभ्यास का 24वां, पायस के चार उपयोग लिखिए। देखो नंबर 1, फेन प्लवन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करने में। आपने 10th क्लास में पढ़ी थी फेन प्लवन विधि, और यदि नहीं पढ़ी तो अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा ये आपको। तो फेन प्लवन विधि में आप पानी में घोलते हो चीड़ का तेल, जिससे बनता है पायस, और वहां भी पायस से ही क्या करते हैं हम, अयस्क को अलग करते हैं, उसका सांद्रण करते हैं। कैसे करते हैं मैं सारी बात एक्सप्लेन करूंगा, मेरे ऊपर उधार है, और कल से शुरू हो जाएगी अगली यूनिट। ठीक है, नंबर 2, दूध। दूध भी पायस है, पानी में वसा का कोलाइडी विलयन है ये। नंबर 3, कपड़ों से मैल का अलग होना, ये क्या होता है? साबुन में चिकनाई का पायसीकरण के कारण होता है बेटे। इस साबुन और चिकनाई आपस में मिलके क्या बना देते हैं, मतलब साबुन का घोल और चिकनाई आपस में मिलेंगे और बनेगा पायस, इसे आप पायसीकरण कहते हो, पायस बनने की क्रिया। नंबर 4, कॉस्मेटिक, मलहम, लोशन, रंजक, औषधि आदि पायस के रूप में अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो यदि आप इन्हें पायस के रूप में प्रयोग करोगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव होंगे। हमारे देश के बच्चे, प्यारे प्यारे से बच्चे, सुंदर सुंदर से बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का टॉपिक और आज की सारी पढ़ाई आपके समझ में आई होगी, और यदि नहीं आई तो आप इस वीडियो को बेटे दोबारा देखो, स्पीड बढ़ा के देखो या घटा के देखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पर समझना जरूर है बिल्कुल, पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और बेटे जब भी पढ़ाई करनी है तो प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई करनी है, किसी भी टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ना है, और अपने नोट्स बेटे पूरे बनाने हैं, क्योंकि ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है, पता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो आदमी अपने काम के प्रति ईमानदार रहता है उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है, और आपका काम, आपकी जिम्मेदारी है पढ़ाई करना। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।